सो दोस्तों, अगर आप फेसबुक आईडी का पासवर्ड भूल गए हो तो ये वीडियो आपके लिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा। जो कि मैं आपको फेसबुक ऐप के, क्योंकि मैंने फेसबुक को मैं यहाँ पर ओपन कर लिया हूँ, यहाँ पर मैं लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपका भी फेसबुक किसी भी तरह से लॉग आउट हो जाएगा कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर मेरा दो दो आईडी है, तो मेरा ऑटो मोड में सेट किया हुआ, दोनों मेरा ऑटो मोड जिसको भी मैं सेट करूँगा वही ऑटोमेटिकली लॉग इन हो जाएगा। आपका ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको उस पर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा, तो आपको वहाँ पर मोबाइल नंबर प्लस आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। जो भी पासवर्ड है दीजिएगा, उसके बाद आपका जो फेसबुक होगा फिर से लॉगिन होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से लॉगिन होता है। तो फिर मैं लॉग आउट करता हूँ, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, फिर दूसरा आईडी को मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। जैसे मैं फिर से दूसरा को क्लिक किया, ये भी मेरा लॉगिन हो गया कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार का आपका लॉगिन तो नहीं होता है तो किस तरह से लॉगिन कीजिएगा, इसका जो पासवर्ड आप अगर भूल चुके होंगे किसी भी तरह से, तो मैं आपको पासवर्ड निकाल के दिखाने वाला हूँ कि आप इसका पासवर्ड कहाँ से निकाल सकते हो, कहाँ से नहीं, सारी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अगर लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर, ताकि आगे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। चलिए आइए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, फेसबुक पे अगर आप आ जाइएगा तो आप यहाँ पर सेटिंग पर देखिएगा, सेटिंग एंड प्राइवेसी, तो आप यहाँ से किसी भी तरह से आपको पासवर्ड दिखने को नहीं मिलेगा। आप किसी भी जगह पर आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, मैं स्टेप में बता रहा हूँ, मगर यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा पासवर्ड। पासवर्ड आपको कहाँ पर मिलेगा, ये सब चीज़ को आपको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, जैसे कि आपको कट दिया हूँ। पासवर्ड निकालने के लिए दोस्तों, आप इसे इंस्टाग्राम का पासवर्ड हो गया, या फिर जीमेल का पासवर्ड हो गया, किसी भी आईडी का, जो भी आप आईडी बना के रखते हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, जो भी है उसका पासवर्ड आपको यहाँ से निकल जाएगा बड़ी ही आसानी से। तो दोस्तों, उसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, क्रोम बाज़ार पर चले जाना है, ठीक है। तो जैसे आप क्रोम बाज़ार पर आ जाएगा, क्रोम बाज़ार पर आने का सोच देखिए थ्री डॉट दिखने को मिलेगा राइट साइड के कॉर्नर पर, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग वाला ऑप्शन दिखने को मिल रहा है, सेटिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सिंपल सा सेटिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करने आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी दिखने को मिल जाएगा सो टॉप पर। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक, ठीक है ना। बेसिक के नीचे आपको कुछ सेकंड वाले ऑप्शन पर आपको दिखने को मिल रहा है पासवर्ड, तो बस आपको बेसिक के नीचे जो सेकंड वाला ऑप्शन पासवर्ड दिखने को मिल रहा है, पासवर्ड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका जितने सारे अकाउंट आप सेव करते हो ना, अकाउंट बनाने के बाद पासवर्ड को सेव करते हो, उस सारे के सारे अकाउंट आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा, कौन कौन सा अकाउंट आपका बना हुआ है और कौन सा अकाउंट पर कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, प्लस कौन सा मेंबर आईडी है, यूज़र आईडी है, वो चीज़ आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा। सारी चीज़ आप देख सकते हैं, मेरा इतने सारे पासबुक ईपीएफओ का है और भी अलग अलग यूनिट नंबर का है, प्लस अलग अलग तरह का मेरा बहुत सारे यहाँ पर अकाउंट दिखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको दिखने को मेरा फेसबुक का भी दिखने को मिल रहा है, यहाँ पर फेसबुक का जो मेरा दो मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है, मेरा दो दो आईडी है फेसबुक का, दोनों आईडी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, मैं शो कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक वाला फेसबुक को जैसे मैं क्लिक करूँगा, तो क्लिक करने के बाद देखिए मेरा यह जो पासवर्ड यहाँ पर आपको मुझे दिखाई दे देगा, ये आग वाला सीन है, इस आग वाले का आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक कीजिए आपको आपका स्क्रीन लॉक मांगेगा, जो भी फिंगर है या फिर पैटर्न है। तो चलिए, मैं यहाँ फिंगर मेरा कैच नहीं किया था, मैं पैटर्न को यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर पैटर्न को जैसे मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर मेरा जो पासवर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा शो कर गया है। तो मैं इसलिए सिक्योरिटी के लिए मैं पासवर्ड को हाइड कर दिया, मोबाइल नंबर को भी, यूज़र नेम को भी मैं यहाँ पर हाइड कर दिया हूँ। ऊपर आपको साइड नेम देखने को facebook.com यहाँ पासवर्ड आपको देखने को मिल गया। तो इस तरह से जो आपका फेसबुक का पासवर्ड मिल गया, यहाँ पर आप किसी भी ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम या ट्विटर, किसी भी आपका जिसका भी दिखाना चाहते हो, इंस्टाग्राम देख सकते हो, जो भी आपका है यहाँ पर आईआरसीटी का वेबसाइट, जो भी आपका वेबसाइट बना हुआ ट्विटर का है, वो आपकी क्या है, जो भी वेबसाइट है, सारे वेबसाइट का पासवर्ड आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अगर आपको अच्छा है तो वीडियो का लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। चलिए, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।